दोस्तों फुल सॉन्ग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉपीराइट की वजह से म्यूजिक बंद कर रखा है। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और न्यू टिकटॉक ट्रेंडिंग वीडियो लेकर। तो जिस वीडियो को आपने अभी अभी मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, ये वीडियो टिकटॉक पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। तो आज मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। अगर आप कुछ इस तरह का कंटेंट बनाकर अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो वायरल होने का चांस बहुत ही ज्यादा है। तो इससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल ESR की टैक में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि टिकटॉक से रिलेटेड सभी ट्रेंडिंग वीडियो को ट्यूटोरियल मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। और हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी टिकटॉक पर कुछ लाइक और फॉलोवर बढ़ा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो इसके लिए जो आपको बिहाइंड द सीन वीडियो शूट करनी है वो दो पार्टों में वीडियो को शूट कर लेना कुछ इस प्रकार से एक्टिंग करके। और आपको इस वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना। अगर आप ये वीडियो स्किप करते हो तो आप ये वाली वीडियो पूरी तरीके से नहीं बना पाओगे। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, वहीं पर चलकर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि इस वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में पावर डायरेक्टर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो आपको एस्पेक्ट रेशियो लेना है वो लेना 9.16 का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको कलर बोर्ड सिलेक्ट करना है और इस कलर बोर्ड का साइज जो लेना है वो लेना है आपको 15 सेकंड तक। इसके बाद आप अपनी गैलरी में से उस वीडियो को लेना जो आपने बिहाइंड द सीन शूट की थी। फिर इस वीडियो लेयर पर टैप करना है, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके वॉल्यूम को ऑफ कर देना है। फिर इस वीडियो लेयर पर टैप करना है, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है। और इस वीडियो लेयर पर टैप करके आपको इसे स्क्रीन की साइज में कर लेना है। फिर इस वीडियो में आपको वहाँ तक सर्च करना है जहाँ तक आपने एक्टिंग की है। तो मैंने यहाँ तक एक्टिंग की, आपको यहाँ पर एक कट लगाना है और इस पार्ट को डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको इस वीडियो को लेना जो आपने बिहाइंड द सीन शूट की थी। फिर इस वीडियो लेयर पर टैप करना है, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है। और इस वीडियो लेयर पर टैप करके आपको इसे स्क्रीन के साइज़ में कर लेना है। फिर इस वीडियो को सेकंड तरफ कर देना है। इसके बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। फिर इस वीडियो लेयर पर टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना, वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके वॉल्यूम को ऑफ कर देना है। फिर इस वीडियो लेयर पर टैप करके आपको इसे स्क्रीन के साइज में कर लेना। फिर इस वीडियो लेयर पर टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है। फिर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना, क्रोमा की पर क्लिक करना है और जो की कलर है वो ग्रीन सेलेक्ट करके जगह पर रखकर दबा देना है। देन एक बार आपको वीडियो प्ले करना है। फिर आपको अपनी वीडियो लेयर को थोड़ा सेकंड तरफ करना है और यहाँ पर एक कट लगा देना है और इस पार्ट को डिलीट कर देना। देन आपको वीडियो प्ले करना है। देखो हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। फिर आपको एरो वाले निशान पर टैप करना है, प्रोड्यूस वीडियो पर क्लिक करना है, सेव टू गैलरी पर क्लिक करके प्रोड्यूस पर क्लिक कर देना। ये कुछ लोडिंग लेगा और आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। धन्यवाद।